अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं चिकन ग्रेवी विथ नूडल्स। तो यहाँ हमने लिया है चिकन 250 ग्राम, उसके अंदर हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून भुना मसाला, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और 1 टेबलस्पून नमक यानी कि सॉल्ट डालेंगे, और एक ढक्कन हम यानी कि 1 टीस्पून विनेगर और 1 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे। और यहाँ हमने चिकन टिक्का मसाला लिया है 3 टेबलस्पून हमने चिकन टिक्का मसाला लिया है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर और मैदा। हमने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबलस्पून मैदा लिया है, और उन दोनों चीज़ों को भी हम मिला लेंगे आपस में, और इसे 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने देंगे। और फिर हमने लिया है एक कढ़ाई में थोड़ा तेल, जिसमें कि हम चिकन फ्राई करेंगे। तो हमारा ऑयल हीट हो चुका है, अब हम इसमें चिकन के पीसेस डालेंगे। हमें चिकन को दोनों तरफ से फ्राई करना है। दोनों तरफ से हमें कलर चेंज होने तक चिकन को फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। देखिए चिकन दोनों तरफ से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे उसी बोल में निकाल लेंगे। अब हम एक पैन में थोड़ा सी ऑयल निकाल लेंगे, जिसमें कि हम हमारे नूडल्स बनाएंगे। तो यहाँ हम ग्रेवी बनाने जा रहे हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हमने 6 से 7 लहसुन को बारीक काट के उसे हमने उसी तेल में तल लिया है, जिसमें कि हमने चिकन तले थे। अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। यहाँ हमारे पास हाफ जो हमारी नॉर्मल प्याज होती है वो है, और एक जो है वो स्प्रिंग अनियंस के नीचे वाली सफ़ेद वाली प्याज। और यहाँ हमने लिया है 6 से 7 बारीक कटी हुई हरी, और जो हरी से लाल हो जाती है वो वाली मिर्च। और यहाँ हमारे पास है 1/2 कप शिमला मिर्च, 1/2 कप गाजर यानी कि कैरेट, और कैप्सिकम 1/2 कप। हम सभी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे ऑयल में। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम इसके अंदर एक थिन स्लाइस्ड कटा हुआ टमाटर डालेंगे, यानी कि बारीक स्लाइसेस में कटा हुआ टमाटर डालेंगे। हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे, और सभी चीज़ों को तेल में फ्राई कर लेंगे। हमें सारे वेजिटेबल्स को तेल में फ्राई करना है 5 से 10 मिनट तक। देखिए हमारे सारे वेजिटेबल्स फ्राई चुके हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर और 1 टेबलस्पून चिल्ली सॉस।
और यहाँ हमारे पास है 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप और थोड़ा सी हमने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है। अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। आपको ग्रेवी जितनी गाढ़ी चाहिए हो या जितनी पतली चाहिए हो उस हिसाब से आप इसमें वाटर ऐड करें। आपको जितनी पतली गाढ़ी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें वाटर ऐड करें। अब हमने एक स्लरी तैयार करी थी, इसमें हमने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर यानी कि आरारोट और 2 टेबल स्पून पानी डाल के हमने एक स्लरी तैयार की थी, वो हमने ग्रेवी में डाल दिया है। उससे क्या है, हमारी ग्रेवी में थिकनेस आएगी। अब हम इसके अंदर एक टेबल स्पून सॉल्ट डालेंगे। देखें कितनी थिक है हमारी ग्रेवी। आपको जितनी थिक चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करें। अब हम इसमें जो हमने चिकन फ्राई करे थे वो भी डाल देंगे। बस हमारी ग्रेवी तैयार है। अब यहाँ हम बनाएंगे नूडल्स। तो उसके लिए हमने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट सबसे पहले गरम तेल में डाला है, फिर हम 1 ग्रीन चिल्ली कटी हुई और 1 रेड चिल्ली कटी हुई और स्प्रिंग अनियंस का जो वाइट वाला हिस्सा होता है वो डालेंगे और शिमला मिर्ची और गाजर भी डाल देंगे 1-1 टेबल स्पून। आपको जितनी वेजिटेबल्स चाहिए आप उतने डालें। देखें हमारी ग्रेवी में बॉईल आ चुका है यानी कि हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें स्प्रिंग अनियंस का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है वो डालेंगे यानी कि हरा, तो हरा कांदा हमने इसमें डाल लिया है और हमारी ग्रेवी रेडी है। अब हम यहाँ पे नूडल्स बनाएंगे, तो यहाँ हमने वेजिटेबल्स फ्राई किए हैं। फिर हम उसके अंदर राइस डाल देंगे, ये बॉईल की हुई राइस है और बॉईल किया हुआ नूडल्स डालेंगे। एक्चुअली हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं राइस और नूडल्स का, बहुत ही टेस्टी लगता है, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको खाली राइस बनाना हो तो आप सिर्फ राइस डालें। और यहाँ हमने अंडे लिए हैं 3 अंडे, उसको हम 1/2 टीस्पून नमक डाल के फेंट लेंगे और 1 कढ़ाई में तेल डाल के इसे भी हम फ्राई करेंगे। अगर आप वेज नूडल्स बना रहे हो तो आपको अंडा डालने की ज़रूरत नहीं है। और हम इसमें 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून विनेगर डालेंगे और इसे दोनों 2 चम्मच लेके ऐसे इस तरीके से हिलाएंगे। और यह हमारा जो है अंडा भी फ्राई करेंगे हम एक तरफ। देखिए इस तरीके से हमें अंडे को क्रश करना है और अंडे फ्राई करके हमें नूडल्स में डाल देना है। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड करें। देखिए जो नूडल्स है वो भी रेडी है। अब हम इसमें भी स्प्रिंग अनियंस डाल देंगे पर हम इसे और पकाएंगे 2 मिनट तक। और देखिए 2 मिनट के बाद हमारी ग्रेवी तैयार है। और हमारा नूडल्स भी तैयार है। हमने इसे गार्निश करने के लिए स्प्रिंग अनियंस का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, निचला हिस्सा यानी कि सफ़ेद वाले जो अनियंस, उसको काट के बारीक बारीक उसको ठंडे पानी में डाल दिया था। तो देखिए रेडी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।